राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू द चैनल श्री हरिदास। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिनों के लिए, या कुछ लोग 1.5 दिन के लिए भी रहते हैं, तो हमें उनकी डेली पूजा कैसे करनी है। देखिए, पहले दिन की पूजा अलग होती है, आखिरी विसर्जन के टाइम की पूजा अलग होती है, लेकिन बीच में जो 10 दिन वो रहेंगे हमारे घर में, तब हमें उनकी पूजा कैसे करनी है, तो वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे बेसिक 8 साल, ये 8वीं साल है, 7 साल मुझे हो चुके हैं अपने घर में गणेश जी लाते जाते, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं उसी पे बेस पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, गणेश जी की जो सेवा रहने वाली है वो एक इंसान करेगा, मतलब एक व्यक्ति का आप निर्धारण कर लीजिए कि यही गणेश जी की जो सुबह शाम की पूजा रहने वाली है वो करेंगे। बाकी आरती जो होती है उसमें आप अपने घर के सभी लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, सुबह के समय गणेश जी की आपको पंचोपचार पूजा करनी है। समय जरूर निर्धारित कर लीजिए कि आप 6 से 7 के बीच में करेंगे, 7 से 8 के बीच में करेंगे, 8 से 9 के बीच में करेंगे। उसके बाद में आपको सबसे पहले गणेश जी के पास आपको गंगा जल युक्त जल से आपको उनको छींटा देना है। छींटा देते समय याद रखिएगा कि दूरबा से आपको छींटा देना है। इसके बाद में आप उनको अच्छे से पोंछ लीजिए। कलश, नवग्रह, दीपक, उन सब पे भी आपको अच्छे से जल चढ़ा लेना है। फिर आप सबको पोंछ लीजिए और दीपक पे आप पोंछने का भाव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर लगाएंगे तो आप जल सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको मौली लेनी है। मौली आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए, दीपक पे मौली चढ़ा दीजिए, कलश पर मौली चढ़ा दीजिए, नवग्रह पे मौली चढ़ा दीजिए, छोटे गणेश जी पर मौली चढ़ा दीजिए। इसके बाद में आपको बड़े वाले जो हमारे गणेश जी रहने वाले हैं उन्हें आप जनेऊ चढ़ा दीजिए, नवग्रह पर जनेऊ चढ़ा दीजिए और कलश पर जनेऊ चढ़ा दीजिए और छोटे गणेश जी पर जनेऊ चढ़ा दीजिए। दीपक पर आपको जनेऊ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप फिर से जल से आचमनी करा दीजिए और जनेऊ पर अगर जनेऊ कलर्ड है तो ठीक है, अगर सफ़ेद जनेऊ तो उस पर हल्दी या चंदन ज़रूर लगा लीजिए, सफ़ेद जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद में आप पुष्प चढ़ा दीजिए। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, 21 दुर्वा, 51 दुर्वा या जितनी भी आपको मिल जाए उतनी दुर्वा चढ़ा दीजिए। गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप कोई भी पुष्प लेकर वो चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, गुलाब चढ़ा सकते हैं। एक पान पर लौंग, इलायची, सुपारी और थोड़ी सी दक्षिणा और कुछ मिठाई आप गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आप उनका तिलक, सिंदूर और घी से आप उनका ऑरेंज वाले सिंदूर और तिल से उनका तिलक कर दीजिए। कपूर से आरती अवश्य करिए, धूप जला दीजिए और साथ ही साथ में फिर आप उनकी रुई से घी की बत्ती से आरती कर दीजिए। ये हो गई सुबह की पूजा। भोग आप लगा दीजिए, भोग आप फल का लगा दीजिए। जल आपको ज़रूर रखना है उनके पास भर के एक लोटे में, जो पीने वाला जो जल होता है वो ज़रूर आपको रखना है और सुबह शाम उस जल को आपको बदलना है। उसके बाद में आप उन्हें मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप उन्हें किसी और चीज़ का। इसके बाद में गणेश जी का शयन हो जाएगा। फिर शाम के समय आप निर्धारित कर लीजिए समय कि हमें कब उनकी आरती करनी है। शाम के समय आपको जो भी सूख चुके फूल हैं उन्हें हटा दीजिए, मिष्ठान, जल वगैरह वो सब बदल दीजिए, भोग नया रख दीजिए, पान चढ़ाया था उसे हटा लीजिए, जनेऊ मौली जो चढ़ाई थी उसे उतार दीजिए। इसके बाद में आपको नया जल उनके पास भर के रखना है और फिर आप इसी टाइप से उनकी पूजा कर सकते हैं। आरती कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा।